स्किबिडी टॉयलेट के यूनिवर्स में सबसे ताकतवर हैं टाइटंस, टाइटन स्पीकर मैन, टाइटन टीवी मैन और टाइटन कैमरा मैन, और ये सारे मिलकर मुकाबला करते हैं जी मैन टॉयलेट का। और इन सबकी लड़ाई ने इस दुनिया में तबाही मचा कर रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ये स्किबिडी टॉयलेट आया कहां से? ये जो टीवी मैन, रेडियो मैन और कैमरा मैन है, क्या ये पहले इंसान हुआ करते थे? और अगर हाँ, तो फिर ये ऐसे अजीबो गरीब क्रीचर कैसे बन गए? क्या स्किबिडी टॉयलेट के यूनिवर्स में ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इंसानों का ही हाथ है? तो भैया, जानेंगे हम स्किबिडी टॉयलेट से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, और जानेंगे हम बैक स्टोरी, आखिर कहां से ये स्किबिडी टॉयलेट आया, कहां से आए ये टीवी मैन, स्पीकर मैन और कैमरा मैन। तो अगर आप ऑलरेडी टॉयलेट सीट पर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि भैया ये वीडियो हर किसी की समझ में नहीं आने वाला, ये स्पेशल डिमांड पर खास आपके लिए ही बनाया गया है। तो इस वीडियो का लाइक एम है 1,00,000 लाइक्स, जल्दी से लाइक करो, क्योंकि शुरू होने वाला है टॉयलेट एक प्रेम कथा का, टॉयलेट एक युद्ध कथा का आज का फाड़ू वीडियो। ये जो स्किबिडी टॉयलेट है, एक ऐसा मॉन्स्टर, एक ऐसा सिर जो टॉयलेट सीट में से बाहर निकलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम एक्चुअली में टट्टी मॉन्स्टर होना चाहिए था। देखो, अब बहुत से लोग बोल सकते हैं, अरे यार गौरव भाई, छी छी छी, क्या गंदी बात कर रहे हो। तो यार, टॉयलेट सीट के अंदर वही तो पाई जाती है ना, तो टॉयलेट सीट में से जो निकलेगा उसका नाम भी वही रखेंगे ना। खैर, नाम में क्या रखा है, हम बात करते हैं आखिर ये आया कहां से। तो गवर्नमेंट अपने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही थी, जहां पर ये लोग एक पर ह्यूमन बनाना चाहते थे जो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक अजीब सा क्रीचर बनाया जिसका दिमाग बड़ा ही पावरफुल था, लेकिन उसके पास केवल दिमाग ही था, शरीर नहीं था। एक्चुअली में ये जो क्रीचर था, इसका केवल सिर था। वैज्ञानिकों ने इसकी पूरी बॉडी अभी तक डेवलप नहीं की थी, लेकिन इससे पहले कि वैज्ञानिक इसका पूरा शरीर बना पाते, ये जो सिर था ना, ये वैज्ञानिकों के चंगुल से निकलकर, उस लेबोरेटरी से निकलकर भाग गया। क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी, इसलिए उसने टॉयलेट के रास्ते का सहारा लिया बाहर निकलने के लिए, और उसके बाद ये सीवर सिस्टम के अंदर कई सालों तक छुप कर रहा। इसके पास एक बहुत ही पावरफुल ब्रेन था जो समय के साथ इवॉल्व होता गया। इसने खुद को रीजनरेट किया और बहुत सारे स्किबिडी टॉयलेट बनाए, जिनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है जी मैन। जी माने जीनियस। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पार्ले जी। भैया, ये जो स्किबिडी टॉयलेट था, ये इंसानों से नफरत करता था, क्योंकि ये जब लैब में बनाया जा रहा था तो ये लैब में मौजूद लोगों की बातें सुनता था, और वो ये समझ गया था कि इंसानों के इरादे अच्छे नहीं होते, और इसीलिए इसने फैसला किया कि ये अपनी एक दुनिया बनाएगा। मतलब इस दुनिया में केवल टॉयलेट्स ही टॉयलेट्स होंगे और इंसान नहीं होंगे। इसके पास शरीर नहीं था, तो इसने चलने फिरने वाली टॉयलेट सीट को ही अपना शरीर बना लिया। अब एक समय ऐसा आया जब स्किबिडी टॉयलेट ने बाहर आकर इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया। चारों ओर तबाही मच गई, इंसानियत खतरे में आ गई, सभी देशों कि स्पेशल फोर्सेस भी इसके सामने फेल हो गईं। और उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि इस मॉन्स्टर से निकलने के लिए उन्हें भी अपना एक मॉन्स्टर ही तैयार करना पड़ेगा। तब जिस लैब में स्किबिडी टॉयलेट वाले मॉन्स्टर को बनाया गया था, वहां पर एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जो था कैमरामैन। ये एक ह्यूमनॉइड था जिसका शरीर इंसानों का होता था, लेकिन इसके पास खुद का कोई ब्रेन नहीं होता। ये अपने सिर की जगह लगे हुए कैमरे से केवल देख सकता है, और ये जो भी देखता है उन विजुअल्स को ये ट्रांसमिट कर देता है उन साइंटिस्ट के पास जो इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। हालांकि इस समय अभी स्किबिडी टॉयलेट से लड़ने के लिए बहुत सारे कैमरामैन की जरूरत थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे सैनिकों को जबरदस्ती पकड़कर कैमरामैन में कन्वर्ट किया, उनके साथ ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया। जिन भी सैनिकों को कैमरामैन बनाया जाता था, वो इंसान नहीं रह जाते थे, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, उनका कोई ब्रेन नहीं होता था, उनकी कोई मेमोरी नहीं होती थी, वो केवल लड़ने वाले एक सैनिक होते थे जो साइंटिस्ट के इशारे पर स्किबिडी टॉयलेट से लड़ते थे। ये देखने में कुछ कुछ आयरन हेड जैसे ही थे, क्या पता ये कॉन्सेप्ट इन लोगों ने सायरन हेड से ही लिया हो। लेकिन अकेले कैमरामैन के बस की नहीं थी कि वो स्किबिडी टॉयलेट से जीत पाए। तो अब पिक्चर में आते हैं टीवी मैन और स्पीकर मैन, और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये अजीबोगरीब क्रीचर्स आखिर हमारी इस दुनिया में कहां से आ गए। एक दिन कैमरामैन और स्किबिडी टॉयलेट के बीच हुई लड़ाई के दौरान एक स्किबिडी टॉयलेट जॉन नाम के इंसान के घर पर गिर गया। जॉन बच गया, लेकिन उसके घर के सारे सदस्य मारे गए। स्किबिडी टॉयलेट तो मर गया, लेकिन उसके शरीर से निकल
निकलने वाला रेडियो एक्टिव लिक्विड जॉन के घर में चारों तरफ फैल गया। इस लिक्विड का असर जॉन के घर में रखे हुए टीवी पर हुआ जो जिंदा हो गया। जिंदा तो कहना ठीक नहीं होगा, वो टीवी कॉन्शियस हो गया। उसने सोचना शुरू कर दिया और उसने सोचा कि मेरे पास दिमाग तो बहुत है लेकिन शरीर नहीं है। तो उसने जॉन से एक सौदा किया। उसने जॉन से कहा कि तुम मुझे अपना शरीर दे दो और मैं एस्किबिडी टॉयलेट से तुम्हारे परिवार की मौत का बदला लूंगा। हालांकि इस डील में जॉन की जान जाने वाली थी लेकिन जॉन मान गया क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो जॉन के पास शरीर था लेकिन नॉलेज नहीं था और टीवी के पास सारा नॉलेज सारा इंटेलिजेंस था। इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जिसके आखिर में जॉन ने अपना शरीर त्याग कर टीवी को दे दिया और इस दुनिया में आया पहला टीवी मैन जो समय के साथ इवॉल्व होता गया और आज हम उसे टाइटन टीवी मैन के नाम से जानते हैं। ये आज भी जॉन के परिवार की मौत का बदला लेता है और ये कैमरा मैन और स्पीकर मैन की मदद करता है स्किबिडी टॉयलेट को डिस्ट्रैक्ट करने में क्योंकि इसके पास एक सुपर पावर है। ये अपने सिर पर लगी हुई स्क्रीन से एक साइकोलॉजिकल बीम को निकाल कर स्किबिडी टॉयलेट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब आप बोलोगे गौरव भाई ठीक है ये तो थी टीवी मैन की कहानी लेकिन आखिर ये स्पीकर मैन क्या बला है? तो रुको जरा सब्र करो सब बताने वाला हूँ मैं आज। तो बेसिकली स्पीकर मैन का जो जन्म है वो एक गलती की वजह से हुआ है। एक साइंटिस्ट थे जो एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते थे जिससे वो स्किबिडी टॉयलेट का अंत कर दें लेकिन वो डिवाइस बनाते समय उनसे एक ऐसी भारी गड़बड़ी हो गई कि उस डिवाइस ने स्किबिडी टॉयलेट को गायब करके खत्म करने की बजाय उस साइंटिस्ट की जिंदगी ही खराब कर दी। उस साइंटिस्ट का शरीर एक स्पीकर के साथ फ्यूज हो गया और एक ऐसे अजीब से प्राणी का जन्म हुआ जिसे लोग स्पीकर मैन या फिर बूफर मैन भी बोलते हैं। तो भैया ये सारी बातें तो एक तरफ, मेन बात अब यह है कि स्किबिडी टॉयलेट ने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रखी है और अब उससे निपटना इंसानों के बस की बात नहीं रह गई है। अब ये अजीबोगरीब से क्रीचर्स ही हैं जो स्किबिडी टॉयलेट को खत्म कर सकते हैं। देखो अब बहुत से लोग कमेंट करने वाले हैं अरे गौरव भाई ये तो केवल एक स्टोरी है, ये सब रियल में थोड़ी होता है। तो मैं भी आपको इस वीडियो के एंड में क्लियर कर दूं कि ये जो भी स्किबिडी टॉयलेट्स वगैरह हैं, ये जो भी क्रीचर्स हैं, ये केवल फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने वीडियोस में आपस में लड़ते हुए देखा है। लेकिन चाहे कैरेक्टर रियल हो या फिक्शनल, उसके पीछे एक बैक स्टोरी जरूर होती है। तो भैया बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे वीडियोस पर कि स्किबिडी टॉयलेट और उसके सारे यूनिवर्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बैक स्टोरी बताओ, और इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है खास आप लोगों की डिमांड पर। तो यार आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, याद रखना वीडियो का लाइक है, 1,00,000 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दो। तो अगर ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं जा रहा हूँ पानी पीने क्योंकि भैया कहानी सुनाते सुनाते मेरा गला सूखने लगा है। थैंक यू अंकल जी। तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में। बिना स्क्रिप्ट पढ़े हमने शूट करना शुरू कर दिया है। माइक को हम यहां पर रखेंगे ऐसे तो क्या हमारा ऑडियो क्लियर आएगा? यस इट्स क्रिस्पी क्लियर मैन। और हमारे थोपड़े पर लाइट, और अगर हाँ तो ये और अगर हाँ तो फिर ये अबे जल्दी बोल। और अगर हाँ तो फिर ये ऐसे अजीबो गरीब क्रीचर कैसे बन गए? क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था और ये हमारे फैन की बैटरी डाउन हो गई। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? क्या स्किबिडी टॉयलेट के यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, टॉयलेट एक प्रेम कथा का, टॉयलेट एक युद्ध कथा का आज का, टॉयलेट एक युद्ध कथा का आज का फाड़ू वीडियो।